हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं प्रीमियम लर्निंग्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया केपीई के बारे में, जो कि एक अप्रोच है इंटरव्यू क्वेश्चंस को आंसर करने की, आज मैं आपको उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरी सीरीज आपके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। मैंने बात की कि भाई कोई भी आप आंसर दे उसको इस फॉर्मेट में दे, राइट। मतलब अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो इफ योर आंसर इज लाइक गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, राइट, जिसको हम डेफिनेशन भी कहते हैं, राइट, डेफिनेशन। तो अगर मैं एक आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं, राइट, मैं आईक्यू लिख देता हूं यहां पर, आप समझ जाइएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज अ सीआरएम, व्हाट इज अ सीआरएम। नॉर्मली लोग इंटरव्यू में ऐसे आंसर देते हैं जैसे वो वाइवा में आंसर दे रहे हो, छोटे छोटे आंसर। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको ऐसा नहीं करना है गाइज, आपको डिटेल्ड आंसर देना है। यू शुड साउंड लाइक अ कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि इस आंसर का मतलब सिर्फ फुल फॉर्म समझना नहीं है इंटरव्यूअर के लिए, वो जानना चाहता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना इन डेप्थ है, राइट। तो अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। मैं थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेता हूं यहां पर। यहां पर हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव की, जिसको मैंने स्टोरी भी बोला है, और फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, राइट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। लेट मी पुट अ ब्लू कलर ओवर हियर। ओके, सो सीआरएम इज बेसिकली a software which is used for customer relationship management, right? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, right? All the interactions related to marketing, sales and service should be documented in a tool so that all the teams can work efficiently and effectively. There are multiple softwares which help us in doing these activities, like we have something called as Zoho, we have something called as Lead Squad, we have something called as Salesforce, we have something called as Siebel, we have something called as Microsoft Dynamics. Let's try to understand with a business case that there is a person who want to expand his business and sell to more and more people, right? So he'll try to start a process for lead generation, right? Let's say he got 3 leads, out of which one lead is ready to buy his product. So this lead will actually convert into a customer and a contract is sent to him, right? आप देखिए कितना छोटा सा आंसर था इनिशियली, जिसको मैंने एक बड़ी कहानी में बदल दिया। अपने हर आंसर को एक बड़ी कहानी में बदलने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप एक एक्सपर्ट की तरह साउंड करने लगेंगे। तो बिल्कुल भी मत भूलिए के पी एंड ई। आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम इसी अप्रोच से इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स के साथ, इस अप्रोच के साथ आप तक पहुंचा सकूं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।